हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नीलू बुटीक चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेस्ट यूज आइडिया, पुरानी पैंट का, पुरानी जीन्स का बेस्ट यूज आइडिया। फ्रेंड देखिए, मेरे पास एक पुरानी जीन्स थी जिसको मैंने साइड से खोल लिया है, फिर उसे एक दूसरे के ऊपर उसे बराबर करके सी लेंगे। और फिर ऊपर से हम लंबाई 8 इंच ले रहे हैं और चौड़ाई 10 इंच ले रहे हैं फ्रेंड्स, और हम उसे कट कर देंगे। आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम इसमें लंबाई 8 इंच लिए हैं और चौड़ाई 10 इंच लिए हैं, और हम इसे बराबर दोनों साइड से कट कर लेंगे। और फिर हमारे पास है गेहूं चावल के आटे की बोरी है, वो लिए हैं, और नीचे अस्तर के लिए बचा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ कपड़ा लगाया है फ्रेंड्स। आप लोग फोम भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास फोम है तो आप लोग फोम भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आटे की बोरी यूज किए हैं, आटे की बोरी लगाए हैं, और बहुत ही कम सिलाई आप दे सकते हैं। देखिए, चारों तरफ से हम इसे स्टिच कर लिए हैं और दो लंबा लंबा सिलाई कर लिए हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे साइड से अलग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े साइड से हम कट करके अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। आप लोग बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप लोग को जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बीच से इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जो कॉर्नर होता है नीचे कोने के साइड पे, हम 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई ले रहे हैं फ्रेंड्स दोनों कोने पे। फिर हम इसे भी कट कर देंगे। फिर हम ऊपर के साइड में भी 1 इंच ले रहे हैं, दोनों तरफ निशान लगाएंगे और उसे नीचे तक मिला देंगे और उसे भी कट कर देंगे। इससे लुक अच्छा आता है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, उससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास टाइम से पहुंच जाएगी फ्रेंड्स। अब हम इसे कट कर देंगे। दोनों तरफ से हम इसे कट कर देंगे। अब हम ऊपर से 2 इंच लेंगे और उसे भी हम कट कर देंगे। और इसमें हम जिप लगाएंगे, चैन लगाएंगे। चैन की लंबाई है 7 इंच। हम एक पतला सा पट्टी लेंगे और उसे 4 बराबर भागों में कट कर देंगे। फिर चैन के ऊपर रख के हम एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड हम रख के चैन को स्टिच कर देंगे। अब उसे हम बिस्से सिल देंगे। फिर हम उसे आगे की तरफ कर देंगे। फिर उसी प्रकार दूसरी तरफ हम पहले रनर लगा लेंगे, उसके बाद से हम दूसरी साइड भी वैसे ही सिल लेंगे छोटा सा कपड़ा रख के। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा डिजाइन है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर देंगे दोनों साइड से। अब हम इसके ऊपर फैब्रिक को ऊपर रख के हम इसे स्टिच करेंगे।
फिर हम इसे प्रेस स्टिच कर देंगे। फिर हम ऊपर की पट्टी को भी ऊपर रख के हम उसे स्टिच कर देंगे। फिर इसे भी हम प्रेस स्टिच कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट कर देंगे साइड से। देखिए कितना अच्छा जिप बन गया। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हमें दूसरा कपड़ा लेंगे एक्स्ट्रा, और उसे हम पीछे के साइड में रख के उसे चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग शायद इसे जिप अंदर की तरफ से भी लगा सकते हैं। पॉकेट अंदर की तरफ से लगाने के लिए भी यही है। आप अंदर रख के ऐसे चैन रख के आप लगा सकते हैं अंदर की तरफ से। हमें इसे बाहर की तरफ से लगाया है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा कपड़ों को हम कट करके बाहर कर देंगे। देखिए कितना अच्छा पॉकेट तैयार हो गया सामने साइड। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के लिए हमें दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा पैंट की जो बची है उसे हम कट करेंगे पतला सा लंबा सा। फिर उसे बीच से फोल्ड करके हम पतला सा पट्टी बनाएंगे और लंबाई में सिलते जाएंगे। फिर उसे बीच से कट कर देंगे फ्रेंड्स। और हम एक हैंडल लगाएंगे एक साइड और दूसरी हैंडल दूसरे साइड लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। दूसरे साइड भी उसके बराबर हम हैंडल रख के स्टिच कर देंगे। निशान लगा लेंगे पहले और फिर उसके बाद इसे भी स्टिच कर देंगे। फिर हम इसमें अब चैन स्टिच करेंगे, चैन लगाएंगे। फिर हम इसे भी प्रेस स्टिच कर देंगे। दूसरे साइड भी हम सिल लेंगे और इसे भी स्टिच कर देंगे और इसे भी प्रेस स्टिच कर देंगे। फिर इसमें अब उसमें रनर लगा देंगे हम। अब उसे उल्टा कर देंगे। दोनों साइड पे हम सिलाई करेंगे पहले साइड से, दूसरे साइड में हम सिलाई कर लेंगे।
दोनों कॉर्नर पे, दोनों कोनों को भी हम सिलाई कर देंगे। दूसरे कॉर्नर को भी हम सिलाई कर देंगे, सिल देंगे। अब हम इसे फाइनल लुक देंगे, सीधा करेंगे। वाओ, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया, कितना सुंदर हैंडबैग बना है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। पुरानी पैंट बेस्ट यूज आइडिया फ्रेंड्स। पुरानी पैंट, पुरानी जींस से आप लोग बहुत ही खूबसूरत बैग बना सकते हैं फ्रेंड्स, और कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें छोटा सा आप बैग है, आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। आप इसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, आप चश्मा रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे रख सकते हैं, और कहीं भी आप चल जा सकते हैं बाहर अगर जाना हो तो। फ्रेंड्स आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए वीडियो की। फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत बैग बना है, एक जिप है और पॉकेट है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। छोटे मोटे सामान आप आराम से रख सकते हैं, कहीं भी जा रहे हो आप फटाक से इसमें रख लें, मोबाइल रख लें, चश्मा रख लें, पैसा रख लें, थोड़ा बहुत सामान रख लें, लेके चले जाए। बहुत ही यूनिक, बहुत ही सुंदर डिजाइन है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ कुछ नया लेके। बाय बाय।